पर्सनल लोन एक बहुत ही लचीले टाइप का लोन होता है जो कि सभी लोन से बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पर्सनल लोन जैसे चाहे कोई भी व्यक्ति उसे यूज कर सकता है, चाहे वो उससे गाड़ी खरीद सकता है, चाहे वो घर बना सकता है, जो भी उसके मन में चीज़ें हैं, जो भी उसे करना है वो उस पर्सनल लोन से कर सकता है। इसलिए पर्सनल लोन बहुत ही लचीला माना जाता है बाकी लोन से। आप एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर है तो आपको 3 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हमें पर्सनल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट हमें देने हैं, यहाँ पे हमें कितना लोन अमाउंट मिल जाएगा, उसका प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होगा, और हमारी सैलरी, अगर हम सैलरी पे ये लोन लेते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये लोन हमें कितने साल के लिए मिल जाएगा, उसका टेन्योर क्या होने वाला है, और इस लोन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पर्सनल लोन के बारे में सारी डिटेल जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। हमारे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग चैनल पर वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको दबाना होगा, उससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन के बारे में। यहाँ पे हमें कितना लोन मिल जाएगा, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये किन लोगों को यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हमें लोन मिलता है, और यहाँ पे हमारा इनकम कितना होना चाहिए जिससे हमें पर्सनल लोन लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 3 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, जो कि हमारे सिविल स्कोर पे डिपेंड है कि हर एक व्यक्ति को कितना लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमारा सिविल स्कोर यहाँ पे डिसाइड करता है कि हमें कितना लोन हमारे सिविल स्कोर पे मिल सकता है। यहाँ पे 0% मार्जिन है, और यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट लोन ले सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। आप इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय भी होंगे तो आपको यहाँ पे इस बैंक से पर्सनल लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस पर्सनल लोन को एलिजिबल होने के लिए आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। आपकी 3 लाख रुपए से यहाँ पे एनुअल इनकम कम होनी नहीं चाहिए, जिससे आपकी लोन प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। रीपेमेंट की, तो हमें यहाँ पे रीपेमेंट करना है 60 महीने से 84 महीने तक, यानी कि अगर आप सैलरी स्लिप आपके पास है तो आपको यहाँ पे 84 मंथ मिल जाएंगे, आपको 7 साल मिल जाएंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको ये लोन 5 साल के लिए मिल जाएगा। जो लोग सैलरी स्लिप वाले हैं, जो लोग कोई भी जॉब करते हैं उनको सैलरी स्लिप मिलती है, उनके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, उन लोगों को यहाँ पे 7 साल का यहाँ पे टेन्योर मिल जाता है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए यहाँ पे 5 साल का टेन्योर मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमें कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं देना है, कोई भी गारंटर हमें नहीं देना है। यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस की हम बात करेंगे, प्रोसेसिंग फ़ी की, तो यहाँ पे 1% से प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1 लाख रुपये लेता है पर्सनल लोन के ज़रिए, तो यहाँ पर उसे सिर्फ 1% से प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी, यानी कि 1,000 रुपये उसकी प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से उनका कहना है कि पर्सनल लोन के लिए इनके अलग से कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो भी यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10.030% से है। जिन लोगों का सिविल स्कोर 750 से ऊपर है उन लोगों को यहाँ पे 10.030% से यहाँ पे लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा।
जिन लोगों का सिविल स्कोर 750 से नीचे रहेगा उन लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई लग जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के यहाँ पे सिविल स्कोर पे और उनके क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड होता है कि उनको कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उनके लोन पे लगाया जाएगा। ये हर एक व्यक्ति को एक जैसा यहाँ पे नहीं होगा, ये भी आपको हमेशा समझना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी पर्सन यहाँ पे पर्सनल लोन ले रहा है उस व्यक्ति के पासपोर्ट फोटो चाहिए, उसका आधार कार्ड चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके घर पे आता है वो सेम एड्रेस वाला उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, उसका इनकम प्रूफ चाहिए। अगर आप यहाँ पे रेंट पे किसी भी जगह पे रहते हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे कंपलसरी देना होगा। और अगर आप टैक्स में भी यहाँ पे बेनिफिट पाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 60 भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो लोग सैलरी स्लिप पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों को सैलरी स्लिप भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। जिस बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी हर महीने जमा होती है उस बैंक अकाउंट का 6 महीने का यहाँ पे स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन लेने के लिए हमें यहाँ पे दो टाइप से हम इस बैंक से लोन ले सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन की हम बात करेंगे तो ऑफलाइन में जो भी डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे, जो कि हमारा इनकम प्रूफ, आधार कार्ड, जो भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट बताया है यहाँ पे आपको ऑफलाइन बैंक में सबमिट कर देने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे सबमिट करोगे वो कम्प्लीटली हो जाएंगे, उसके बाद आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऑफलाइन ही पर्सनल लोन अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन की बात करेंगे तो ऑनलाइन में भी आपको सेम डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर आप रेंट से रहते हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको इनकम प्रूफ देना है, आप सैलरी स्लिप आपके पास तो आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे दे देना है, और जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड पैन कार्ड वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही सबमिट कर देना है। तो आप यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो।